खैर वो नाथिन शाह से खबर शामिल करते हैं हमारे DNN न्यूज के नुमाइंदा जानी नईम शेख से। खैरपुर नाथिन शाह में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से वापडा में कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर करना और वापडा के निजकारी के खिलाफ हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए। वापडा ऑफिस के सामने सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सब डिवीजन के एनशाह के चेयरमैन इलाही बख्श चांडियो, जहीर गाढ़ी, अकील सोमरू, अरशद खान, नदीम पठान, अमदाद चांडियो, अब्दुल हमीद गाढ़ी, कुर्बान सोमरू और दीगर मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहरे में शरीक शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वापडा में कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन को 2 साल बाद रेगुलर करने के लिए हुकूमत के साथ वादा किया गया था, जिस पर अब तक कोई भी अमल न हो सका और वापडा को प्राइवेट कंपनियों में शामिल किया जा रहा है, जो वापडा मुलाजमीन के साथ सरासर जुल्म है। उनका मजीद कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन वापडा के शहीद मुलाजमीन के कोटे पर काम कर रहे हैं, जो उनका हक बनता है। उन्होंने आला इख्तियारों से मुतालिबा किया है कि वापडा की निजकारी खत्म की जाए और कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर करके वापडा के शहीद मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए।